नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे आज आई हुई है टीचिंग भर्ती को लेकर, शिक्षकों की भर्ती को लेकर। यहाँ पे उत्तराखंड में 3,253 यानी 3,253 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, और शिक्षा विभाग को अब चुनाव आयोग से ये मंजूरी भी मिल चुकी है। और ये जो भर्ती है दोस्तों, ये है प्राइमरी टीचरों की, प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की भर्ती है, जिसमें 3,253 पदों पर इस भर्ती का रास्ता अब साफ हो चुका है। तो जानेंगे दोस्तों डिटेल्स कि क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना है इस भर्ती को लेकर। तो प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 3,253 पदों पर सीधी भर्ती के लिए शिक्षा विभाग को चुनाव आयोग से मंजूरी मिल गई है, जिससे इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। और इसमें जो कुछ पद है दोस्तों, लगभग 1,250 पद, ये वर्ष 2018, 20 और 21 की रुकी हुई भर्ती के हैं, क्योंकि उस समय ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई थी। लगभग 1,250 पद ऐसे रह गए थे जिस पर ये भर्ती पूरी नहीं हुई थी। 2018, 20 और 21 की ये रुकी हुई भर्ती के हैं। भर्ती अब देखो, भर्ती के लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे यहाँ पे। तो बीएड डिग्री को यहाँ पे अमान्य करने के बाद केवल डीएलएड वाले ही इन भर्ती पदों के पात्र होंगे। साथ में यहाँ पे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए विभाग ने वर्ष 2018, 20 एवं 21 में 3,099, लगभग 3,000 पद उस समय भी निकाले गए थे, जिसमें 1,250 पदों पर अभी ये भर्ती रुकी हुई है। और कुछ और पद आएंगे इसमें, लगभग टोटल 3,253 पदों पर ये भर्ती अब जल्द ही जारी होगी। उस दौरान शिक्षक भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता बीएड और डीएलएड को दोनों को मान्य किया गया था, लेकिन बाद में शासन ने एनआईओएस से डीएलएड को भी मान्य कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ यहाँ पे कि कुछ समय बाद एनआईओएस से डीएलएड को भर्ती के लिए मान्य जो आदेश था वो रद्द कर दिया गया। तो अब यहाँ पे जो एनआईएस वाले हैं, जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया है, उनको इस भर्ती में वो शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि जो आदेश जारी किया गया था उनको शामिल करने वाला, उसको बाद में रद्द किया गया, जिससे शिक्षक भर्ती विवादों में उलझ रही। लेकिन सरकार ने पहले एनआईओएस से डीएलएड और अब बीएड अभ्यर्थियों को सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए अमान्य कर दिया है। तो बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर करने के लिए सेवा नियमावली 2012 में संशोधन किया गया। इस संशोधन से पहले डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ ही कुछ बीएड अभ्यर्थी 1,849 पदों पर भर्ती हो चुके हैं। तो जो ये 2021 में निकली थी 3,099 पदों पर भर्ती, इसमें जो 1,849 पदों पर भर्ती हुई है उसमें डीएलएड वाले भी और बीएड वाले भी शामिल थे। लेकिन अब जो आगामी आने वाली भर्ती है 3,253, इसमें केवल केवल कौन शामिल होंगे, जो केवल डीएलएड वाले हैं, और इसमें एनआईओएस वाले शामिल नहीं होंगे, ये भी आपको यहाँ पे देखना होगा। तो केवल जिन्होंने डीएलएड कर रखा है वो यहाँ पे इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण सूचना है, काफी बड़ी खुशखबरी है दोस्तों उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने डीएलएड किया है। तो लगभग काफी बड़ी ये भर्ती होने वाली है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।